हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वन चैनल पावर्ड बाय बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और वो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है मैग्लेव ट्रेन्स। और मैग्लेव ट्रेन किस प्रकार से काम करती हैं इसको समझने से पहले हम अपने बचपन में लौटना चाहेंगे, जहां पर आप कभी मैग्नेट से खेले होंगे। आपने डेफिनेटली वो छोटी छोटी सी मैग्नेट्स देखी होंगी जो जिसमें दो पोल्स होते हैं। एक पोल को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक पोल को हम साउथ पोल कहते हैं। अब ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमने मैग्नेट को दो पोल्स डिफाइन कर दिए हैं। जनरली कई जगह पर आप पाते हैं कि मैग्नेट को इन दो पोल्स को रेड और ब्लू कलर के साथ में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब होता क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में लेकर के आते हैं तो वे आपस में रिपल्शन प्रोड्यूस करती हैं, वे एक दूसरे से दूर जाती हैं। यही यदि हम पहली मैग्नेट के साउथ पोल को और दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को भी यदि हम पास में ला करके देखते हैं तो हमें सेम टाइप का फिनोमेना देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम अपोजिट पोल्स को, मतलब यदि किसी एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में किसी दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को यदि हम लेकर के आते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई नजर आती हैं। अब यह जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फिनोमिना है, यह फिनोमिना मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता है। यह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वह इमेजिनरी रीजन जहां पर कोई दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आने पर वह अट्रैक्शन या रिपल्शन का फिनोमिना फील करता है, उस रीजन को हम कहते हैं उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर समझने वाली बात है, मैग्नेट है हमारे पास में, इस मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा रीजन जहां पर आप किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को, अब वो मैग्नेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है या एक दूसरी मैग्नेट भी हो सकती है, यदि आप उसे वहां पर लेकर के आते हो तो यह आइदर अट्रैक्शन फील करेगी या फिर रिपल्शन फील करेगी। तो उस रीजन को हम कहते हैं उस पर्टिकुलर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट्स के दो टाइप होते हैं, एक वह मैग्नेट जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, यह होती है परमानेंट मैग्नेट। लेकिन इसके अलावा एक और टाइप की मैग्नेट होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके नाम में लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इस वर्ड का मीनिंग यह है कि हम किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बनी हुई मैग्नेट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाती है, जो कि टेम्पररी टाइप ऑफ मैग्नेट होती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तब तक तो वह मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे तो वह अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये दो शब्द यहां पर आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेन की तरफ। तो मैग्लेव मतलब मैग्नेटिक लेविएशन, मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि हम मैग्नेट की मदद से एक लेविटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर उठा रहे हो। हमारे इस केस में यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी ट्रेन है जिसको हमें यहाँ पर उठाना है। तो हाउ डज दिस हैपन, यह किस प्रकार से होता है, तो मैग्लेव ट्रेन का कॉन्सेप्ट उसके ट्रैक के साथ में एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक यू टाइप का शेप, यू टाइप के शेप के हम ट्रैक के बारे में यहाँ पर सोचते हैं, और इस ट्रैक में क्या होता है कि एक फिक्स इंटरवल के पश्चात में दो तरह के लूप्स यहां पर क्रिएट किए जाते हैं। अब आप मैग्लेव ट्रेन को यदि समझना है तो हम एक छोटे से डब्बे के बारे में सोचते हैं, और इस छोटे से डब्बे में क्या हो रहा है कि अपोजिट साइड पे, मतलब फ्रंट और बैक एंड पे, एक तरह से मैग्नेट्स को हमने इंस्टॉल किया हुआ है। किस प्रकार से, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये एक ट्रेन है, तो ट्रेन का मान के चलते हैं ये फ्रंट साइड है, तो इसमें आगे की साइड में नॉर्थ पोल
दो मैग्नेट रखी हुई हैं या दो ऐसे पोल्स रखे हुए हैं जो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहे हैं और बैक साइड में दो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये तो आपका ट्रेन का कंपार्टमेंट हो गया। और जो ट्रैक्स हैं बेटा, इन ट्रैक्स में दो तरह के लूप यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड के लूप यहाँ पर बनाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इन ट्रैक की खास बात क्या होती है कि ये ट्रैक के अंदर में दोनों साइड में नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ इस प्रकार से हम एक के पीछे एक मैग्नेट लगाते चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमानेंट मैग्नेट में कैसे होता है, एक मैग्नेट के अंदर में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। यदि इसके पीछे आप दूसरी मैग्नेट को लेकर के रखोगे तो नॉर्थ साउथ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसी स्ट्रक्चर को ट्रैक के दोनों साइड में लगा दिया जाता है तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन रहा होता है। अब यहां पर हमारे पास में ट्रेन का कंपार्टमेंट कंप्लीट हो चुका है और ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। अब ट्रेन इस पर चलती कैसे है, तो ट्रेन को चलने के लिए सबसे पहले हम ट्रेन को ऊपर उठाते हैं और ट्रेन को ऊपर उठाने के लिए इन ट्रैक में जो दो तरह के हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए थे इसके द्वारा रिपल्शन प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक फील्ड इस मैग्नेटिक ट्रेन को या मैग्लेव ट्रेन को ऊपर उठाता है और दूसरा फील्ड इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहां पर ध्यान ये रखना है कि हम यहां पर ट्रेन को रिपल्शन के फोर्स के कारण ऊपर उठा रहे हैं और सेकंड टाइप ऑफ रिपल्शन से इसे यहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दो तरह के रिपल्शन से हम यहां पर इसे लेविटेशन एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके पश्चात, अब चूंकि आपका ट्रेन लेविएट हो चुकी है, इसके पश्चात जो ट्रैक्स में जो मैग्नेट्स लगी हुई हैं हम इन्हें अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के द्वारा ऑपरेट करते हैं। और अब यहां पर आप क्या पाते हैं, जैसे आपके पास में ये ट्रेन का एक डब्बा है, मैंने आपको बताया आगे नॉर्थ है और पीछे साउथ है, लेकिन उसी समय क्या हो रहा होता है कि आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि यहां पर आगे जो नॉर्थ पोल है इसके बराबर सामने यहां पर नॉर्थ लगा है और यहां पर साउथ लगा है। तो ये नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन के फिनोमेना यहां पर देखने को मिलेंगे। तो नॉर्थ वाला जो है इस नॉर्थ को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इस रिपल्शन के कारण वो नॉर्थ के सामने रुकना नहीं चाहता, वो इससे आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जैसे ही हम आगे आते हैं तो साउथ पोल आते हैं और दोनों साइड से वो फिर से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फिर आगे नॉर्थ मिलता है, फिर नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ अट्रैक्ट करता है। और यही सेम फिना ट्रेन के बैकवर्ड सेक्शन में भी हो रहा होता है और इसके कारण ट्रेन आपकी आगे चलने लगती है। सो दैट्स द ओवरऑल फिनोमिना। आप यहां पर यदि एक डायग्राम को देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से ट्रेन आगे यहां पर चल रही है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्लेव ट्रेन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। We'll be right back.